जी हम लोग का बहुत ही सीनियर लीडर है, हम लोग का पसंग जी के साथ में हम लोग बातचीत करके जो हम लोग का दल का देखते हुए उन्होंने जो वेलकम सर्वप्रथम उनको हम लोग का स्वागत जो ये सबसे बड़ा खुशी का माहौल है। और मुझे बहुत ही खुशी लगा जो पसंग जी आज जयगांव क्षेत्र से आज ममता दीदी का हाथ से इस झंडा लिया है और उनका ऊपर में जो दायित्व है जो हमारा ऊपर में जो दायित्व है दायित्व के हिसाब से आगामी दिन जो खेल जो 10 तारीख को जो पसंग जी पसंग लामा हम लोग का कैंडिडेट उनको जीतना हम लोग का दायित्व है। जो हम लोग का पसंग शेरपा हम लोग का जयगांव से कैंडिडेट का नाम भी पसंग और हम लोग का आज ममता दीदी का हाथ से जो झंडा लिया उनका भी नाम पसंग। तो आज पसंग जी और हम लोग सब मिल के आगामी दिन 10 तारीख को जिताएंगे ये बोलते हुए और सबसे बड़ा बधाई आप लोग को धन्यवाद जो मीडिया और हम लोग का पसंग जी को हम लोग का दल में आप जी उनका साथ में जो दल का जो परिस्थिति अभी जो विगत दिन में जो दल लेके जो खेल खिला जो कार्ड मैंने बहुत कुछ बात बोला आज वही लोग है बीजेपी में तो अच्छे आदमी कहाँ बैठेगा। जो हम लोग का पसंग जी का जो सोर्स जो आज सोचा उन्होंने जो मेहनत किया उस मेहनत का फल ये आज का दिन में वही प्रूफ हुआ जो ममता दीदी का हाथ से झंडा लिया ये है असली है। और इसी देखते हुए आज हम लोग का पसंग जी आज इस मंच में शामिल हुआ है। दो दिन तक आप बीजेपी के समर्थन में बोल रहे थे आज केएमसी में जो है बताइए क्या कारण हो गया कि आप बीजेपी में? दो दिन माने 48 घंटा ना 48 घंटे में बहुत चीज हो गया है आप लोग को तो मालूम है ना क्या हुआ है हुआ बहुत है। जैसे कि मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि बीजेपी जो कर रहे हैं अभी तक जो 28 वर्ष का मेरा इतिहास है पार्टी कर रही है मैं फुल टाइमर हूँ मेरा दुकान सुकान का नौकरी कुछ नहीं है मैं एमए ग्रेजुएट हूँ इसलिए करता हूँ पार्टी की पार्टी मने समाज सेवा सोशल पॉलिटिक्स लेकिन पॉलिटिक्स को अभी ऐसा बना दिया कि कॉमर्शियल बना दिया कहाँ से थोपका कहाँ से क्या किया वो कॉमर्शियल हो गया तो हम लोग कॉमर्शियल पॉलिटिक्स में नहीं बैठ सकते क्योंकि हम लोग सोशल पॉलिटिक्स करते हैं इसलिए हमको नहीं रहना है। आपको गुस्सा किससे है? गुस्सा तो किससे होगा? नाराजगी किससे होगा? तो आप पार्टी बदल लिए कुछ नाराज होना चाहिए क्या? सिद्धांत का बात कीजिए ना सिद्धांत का बात कीजिए प्रिंसिपल का बात कीजिए ना गुस्सा का बात कहाँ आता है प्रिंसिपल आता है सिद्धांत आता है जब सिद्धांत नहीं मिलते हैं तो उसको तो छोड़ नहीं है गुस्सा से क्यों छोड़ेंगे गुस्सा से तो मैंने होगा नहीं तो सिद्धांत का बात हो रहा है ना। जो दो दिन पहले आपका वही सिद्धांत आपको अच्छा लग रहा था आज पसंद है क्या कारण क्या हो गया? कारण ऐसा हुआ है कि क्या बोलेंगे हाँ जैसे कि मैंने अभी हम लोग सुने थे कि मैंने जो कमल है ना कीचड़ में खेलते हैं हम भी सुने तो हम लोग सोचे थे कैसा कीचड़ होगा और कीचड़ तो कीचड़ है लेकिन कीचड़ का नीचे अभी क्या हो गया बिच्छू घुस गया कीड़ा मकोड़ा घिस गया तो हमको मालूम है वो कमर खिलेगा नहीं बढ़िया से इसीलिए वो जो कीड़ा का साथ हम लोग नहीं बैठ सकते। किसको आप कीड़ा बोलना चाह रहे जो नया जो अभी टीएमसी जाए उनको उनके बारे में बोलना और दूसरा बात सब चीज़ क्या बोलना पड़ता है क्या सारा चीज़ बताना पड़ता है आप लोग के माध्यम सब मैंने वो तो समझने वाला बात है ना। अभी टीएमसी का जितना भी सिद्धांत है काम करने का तरीका है सब आपको क्या पसंद है? काम करने का तरीका तो अभी तो शुरू किया है काम ही नहीं किया तो कैसे बताऊंगा आपको कैसा तरीका है कल से बताऊंगा जब काम करने का तरीका मालूम पड़ेगा ना साथ में अभी तो शुरू ही किया है बताएंगे कैसे आप चौकोटा टोल में पब्लिक को लेके आप एक सभा किए थे जिसमें आपने नाराजगी जाहिर किया था कैंडिडेट को लेकर साथ में ये भी कहे थे कि नोटा को लेकर भी कुछ आपने टिप्पणी किया था अभी आपका क्या स्टैंड है? नहीं ऐसा होता है ना बात क्या होता है जब पसंद नापसंद का जब बात आता है उसके बीच में क्या आ जाता है कि वहाँ पे एक तो माहौल तक खुला रहता है तो खुला माने नोटा है ना खुला माने नोटा कहीं भी नहीं तो बाद में पता चला नहीं हम लोग को किसी को हराने के लिए किसी को हराना जरूरत है। मैं जानता हूँ भाई भ्रष्टाचारी ये जो हम लोग बात कर रहे थे उसको हराने के लिए विशाल लामा जी को हराना ही है नहीं तो और बढ़ेगा ये जितना जीतेगा ऐसे भ्रष्टाचारी बढ़ते जाएंगे और एक आदमी समझता है कि मेरी सारा अब कालचिनी उसका है अभी तो हमको खुश है कि दोनों शर्मा एक साथ हो गया आप दोनों शर्मा को बीजेपी मुबारक हो आप लोग ले लीजिए।